लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई एयरपोर्ट को दीबा पाटिल का नाम दिलाने 29 गांवों के प्रकल्पग्रस्त 24 जून को सिडकों का घेराव करने वाले हैं। दीबा पाटिल की जयंती के दिन होने वाले इस विशाल आंदोलन को लेकर आज सिरौनी विद्यालय में एक बैठक की गई, जहां मुख्य समन्वयक मनोहर पाटिल, डॉक्टर राजेश पाटिल, दशरथ भगत, दीपक पाटिल और रामचंद्र घरत समेत तमाम नेता मौजूद थे। नवीमुंबई एयरपोर्ट सर्वपक्षीय कृति समिति नवीमुंबई की इस बैठक में दीबा पाटिल को प्रकल्पग्रस्तों का पिता बताते हुए एयरपोर्ट पर हर हाल में दीबा का ही नाम दिलाने का संकल्प लिया गया। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई एयरपोर्ट नामांतरण के लिए 24 जून को घोषित आंदोलन को लेकर प्रकल्पग्रस्तों की बैठकें तेज हो गई हैं। आज सिरौनी विद्यालय में एक विशेष बैठक की गई, जहां 29 गांवों के प्रकल्पग्रस्त, भूमिपुत्र और शहरी इलाकों के लोक प्रतिनिधि मौजूद थे। यहां नवी मुंबई एयरपोर्ट सर्वपक्षीय कृति समिति के समन्वयक मनोहर पाटिल, डॉक्टर राजेश पाटिल, दशरथ भगत, रामचंद्र घरत समेत तमाम नेता मौजूद थे। डॉक्टर राजेश पाटिल एवं अन्य नेताओं ने यहाँ प्रकल्पग्रस्तों को संबोधित करते हुए कहा कि दीबा पाटिल सिर्फ एक लोक नेता नहीं बल्कि प्रकल्पग्रस्तों के पिता हैं, जिन्होंने उन्हें हक और पहचान दिलाई। आज नवी मुंबई एयरपोर्ट को उनकी पहचान दिलानी है। बैठक में सर्वसम्मति से सिडकों के खिलाफ तीव्र आंदोलन की रणनीति तैयार की गई। डॉक्टर राजेश पाटिल ने प्रकल्पग्रस्तों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। अपने हा आंदोलन त्या ठिकाणी छेडतो आहे, ह्याच्या व्यतिरिक्त आपल्या नेत्याने आपला नेता एक दिला प्रकल्प तुझा हेच आपल्या त्या ठिकाणी सध्याचं दिलं। अशा वेळी आपण गावपातळीवर देखील जर प्रत्येक आपापल्या त्या ठिकाणच्या ग्रामस्थांनी विचार केला, ते माझं काम आहे, माझी जबाबदारी आहे, माझ्या त्या ठिकाणी समाजाचा प्रश्न आहे, त्या दीबा पाटील साहेबांनी ह्या ठिकाणी आपलं अस्तित्व निर्माण करून दिलं, ते पुसण्याचं काम जर कोणी करत असेल तर मी मागे हटणार नाही, आणि म्हणून माझं काम आहे, माझी जबाबदारी आहे। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।